न्यूज 18 का खास कार्यक्रम चुनावी चुस्की में आपका स्वागत है। और चुनावी चुस्की इस समय है मंडला विधानसभा सीट पर बैगा बैगी चौराहे पर। यहाँ पर सेल चाय वाला है, इसकी चाय इतनी फेमस है कि यहाँ पर जितने भी राजनीतिक दल के जो भी यहाँ पर हैं सभी लोग इनकी चाय का स्वाद लेकर ही आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी चाय पर इस समय चुनाव का माहौल है, तो चुनावी चर्चा जारी है। हमारे साथ कुछ वर्ग लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि इस समय क्या चुनावी माहौल बना हुआ है, क्या चर्चाएं चल रही हैं, मतलब क्या चर्चाएं चल रही हैं। चर्चाएं दो प्रत्याशी मंडला विधानसभा में मुख्य रूप से हैं, अशोक मस्कोले जी और बीजेपी से संपतिया उइके जी। कह नहीं सकते कि कौन बाजी मारेगा क्योंकि धरातल पर विकास अभी शून्य है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो दादा हमारे उमरडी से आए हुए हैं, पक्की सड़कें बन गई हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आगे विकास को लेकर शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी काम होने हैं वो अभी नदारद हैं। सशक्त नेतृत्व की तलाश है, बाकी जद्दोजहद जारी है दोनों पार्टियों की, और जनता के मन में क्या है ये तो उसी दिन पता चलेगा। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? बेसिकली डेवलपमेंट के ही जो मुद्दे रहते हैं उन्हीं के आधार पर ही चुनाव लड़े जाते हैं। वर्तमान परिस्थिति में मंडला बड़ी दयनीय अवस्था में है, सड़कें बेजान हो चुकी हैं, शिक्षा आप देख ही रहे हैं प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल नदारद है, स्वास्थ्य में डॉक्टर्स हैं नहीं, कंपाउंडर चला रहे हैं अस्पताल, तो ये सारी चीज़ें हैं। दादा आप ग्रामीण इलाके से आते हो, क्या चर्चाएं चल रही हैं आपके गाँव में इस समय? आपके हमारे गांव में वही पंजा को देना है, पंजा। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, क्या है आप? हाँ तो मुद्दा भी जाओ तो वो भी वही एक ही बात है, एक ही बात। आपके गांव में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्या हाल है? ठीक है, अभी ठीक है। सड़क वह बिल्कुल पास में है, बिल्कुल मतलब किसी रोड चौहाल रोड के पास में है वह हाई स्कूल छात्रावास या साइट इतनी जाए में पास में है। आप बताइए, आप लोग बैठते हो, चर्चाएं चल रही है, क्या चल रही है, चाय पे चर्चा करते होंगे, चुनाव को लेकर माहौल बना हुआ है? चाय पे चर्चा चल रहा है सर, लेकिन अब ये नसीब का खेल है, मत है इंसान जिसको दे दे। अब जो भी सरकार बने अच्छा विकास करे, अच्छा उन्नति करे देश का, हम तो यही चाह रहे हैं कि बेरोजगार ना रहे, रोजगार मिले, नया युवा को अच्छी सर्विस जॉब मिले, यही चाहते हैं। और अच्छा स्वास्थ्य विभाग बने, मंडला जिला में अपने यहाँ है ही नहीं है अस्पताल, यहाँ से रिफर करते हैं, आधे आधे गली में जाते जाते पेशेंट ख़त्म हो जाते हैं। हम तो यही चाह रहे हैं जो भी सरकार बने, कोई भी पार्टी का बने, हम उससे मतलब नहीं है, ये तो अपनी मत है, किसको देना है नहीं देना है, किसी को प्रेशर तो नहीं दे पाते, लेकिन यही चाहते हैं जो भी सरकार बने जो भी पार्टी लेवल का, लेकिन हमें अच्छा विकास, अच्छा तरक्की हो, अच्छी सड़कें बने, अच्छा विकास बने, काम धंधा बेरोजगार ना रहें, हम यही चाहते हैं सर। आप लोग क्या चर्चाएं चल रही हैं, आप युवा वर्ग से आते हैं, आप आपस में चर्चा करते होंगे चुनाव को? हम लोग यहाँ पर चाय पीने तो आते हैं, यहाँ हम लोगों के आपसी में भी चलता है कि भाई जो विकास चल रहा है अभी कह जाए तो इसके पिछले महीने की बात किया जाए, आचार संहिता के पहले जो पार्टी ने काम करी है अच्छा काम रहा है उसका। और अभी हमारे मंडला विधानसभा क्षेत्र से मस्कोले जी और संपतिया उइके जी अब इन लोगों के बीच में चल रहा है, अभी अब देखो नसीब का खेल है, हो सकता है अब नसीब में जो भी हो वो हो जाएगा। किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा चुनाव? अब मुद्दे की तो बात कर नहीं सकते हैं, विकास के ऊपर है क्या है, इसके पहले जिस पार्टी रही है उसका भी काम अच्छा रहा है, और बस। और भी हमारे साथ और भी वर्ग मौजूद हैं, स्थानीय लोग मौजूद हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे। भैया क्या चर्चाएं चल रही हैं चुनावी माहौल में? चुनाव की चर्चाएं चल रही हैं ये कि दो सशक्त कैंडिडेट हैं मंडला से, और यदि प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में तो पिछली बार कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी, तो कुछ कूटनीति के चलते वो सरकार गिरा दी गई थी। और जहाँ तक मंडला की बात है, महिलाओं को पर्याप्त आरक्षण दिया गया है, उसके बाद एक पुरुष सीट से महिला को टिकट दिया जाना, ये मतलब एक समझ से परे की बात है कि जहाँ महिलाओं को पूरा आरक्षण जब दिया गया है, बराबरी से उनकी टिकटें हैं, सीटें हैं, तो फिर पुरुष सीट में भी महिलाओं को क्यों प्रमोट किया गया है? किन मुद्दों पर मंडला का चुनाव लड़ा जाएगा? मंडला का नहीं, पूरे प्रदेश का चुनाव बिना किसी मुद्दे के सिर्फ प्रलोभन के आधार पर लड़ा जा रहा है। यहाँ पे ना तो कोई विकास के मुद्दे की बात है, ना कोई
मतलब कंस्ट्रक्टिव बातें हैं, सिर्फ प्रलोभन दे दे के कि हम आपको ये देंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, हम आपको वो देंगे, इस आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है। ये ना तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और ना किसी की मानसिकता को समझ के चुनाव लड़ा जा रहा है। ये हमारे साथ और भी वर्ग मौजूद हैं, हम बात करेंगे, स्थानीय लोग हैं। भाई साहब, क्या मुद्दे देख रहे हैं आप? चाय पीते होंगे, लोगों से चर्चा करते होंगे, किस प्रकार की चर्चा चल रही है? मुद्दे तो सच में अभी जैसा हमारे बड़े भाई ने कहा, मुद्दे गायब है। सच है कि प्रलोभन के आधार पर चल रहा है, चाहे शासकीय नीतियों को प्रलोभन हो। लाडली लक्ष्मी योजना एक सामाजिक सम्मान का है, महिलाओं के सम्मान से जोड़ा गया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये सीधा एक वोट को खरीदने का एक अपने तरीके का विषय है। और इसी तरीके से विपक्ष ने भी जो घोषणाएं कर रखी हैं वो भी प्रलोभन के आधार पर ही हैं। स्थितियां जो टैक्स पेयर है, जो पैसा देना चाहता है या देता है, उसके लिए अब कुछ नहीं सोचा जा रहा। व्यापारी दुखी हो चुका है, स्थितियां उसके लिए कुछ भी नहीं अनुकूल नहीं है। व्यापारी ऑनलाइन की मार से प्रभावित है, विशेष स्थितियां कुछ पॉजिटिव दिखती नहीं। हम मंडला विधानसभा में खड़े हैं, मंडला में क्या प्रमुख मुद्दे होंगे और जनता किन मुद्दों को लेकर मतदान करेगी, क्या रहेगा उनके जहन में? जिस वर्ग को केंद्रित करके चुनाव लड़ा जा रहा है उसके पास मुद्दे नहीं हैं। जो शिक्षित वर्ग है वो मुद्दों पे बात करना चाहता है, नो डाउट। महंगाई एक मुद्दा होना चाहिए था, उसे नज़रअंदाज कर दिया, किनारे कर दिया गया है। विकास निरंतर सतत प्रक्रिया है, रोड बनेगी, बिगड़ेगी, फिर बनेगी, ये सब चीज़ें सामान्य स्थितियाँ हैं। लेकिन जिस किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जो कहा जाता है कि ट्रेन और अब कहते हैं हाईवे, इन दोनों मुद्दों पे हम उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाए जहां पे एक विकसित जिला पहुंचता था। आप भी युवा वर्ग से आते हैं, क्या देखते हैं, क्या चर्चा चल रही है आप लोगों के बीच? देखिए, कहीं ना कहीं युवा वर्ग जो है भाजपा सरकार से लाभान्वित तो है। खेलो इंडिया, ओलंपिक जैसे खेल प्रतिभा को बढ़ावा देना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा अभिनव प्रयास है। और युवाओं के लिए जैसे अभी मुख्यमंत्री की जी की सीखो कमाओ योजना जो लागू हुई है, कहीं ना कहीं इसका चुनावी फायदा भाजपा को मिलेगा। आप क्या देखते हैं अभी यहाँ पे मंडला जिले में रोजगार के साधन हैं? रोजगार के साधन या स्वरोजगार के साधन उपलब्ध हैं, संसाधन से परिपूर्ण है मंडला जिला, संसाधनों का बखूबी उपयोग हो जाए तो ये सभी के हित में होगा। किन मुद्दों को लेकर लड़ा जाएगा? देखिए, जैसे अभी कांग्रेस ने घोषणा की थी कि छठवें सूची लागू करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है सामाजिक समरसता सर्वधर्म संभाव के साथ कार्य करती है। छठवीं अनुसूची कहीं ना कहीं सामान्य ओबीसी और एससी वर्ग के लिए खतरा रहेगा, तो कहीं ना कहीं वोटर्स जो है कांग्रेस से छिटकेगा। छठी अनुसूची पर बीजेपी भी तो मौन है, बीजेपी ने समर्थन भी नहीं किया इसका। हमारे साथ और भी मौजूद है, जानेंगे भैया क्या चल रहा है माहौल चुनाव का। सिर्फ भाजपा, एमपी के मन में मोदी। आज मैं चूँकि ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, मेरे गांव की जो आबादी है उसका 95% जनजाति समाज के लोग रहते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने हमारे विशेषकर हमारे मंडला जैसे पिछड़े जनजाति जिले को और विशेषकर जनजाति समाज के लिए जो काम किया है, ट्राइबल के लिए काम किया है, कांग्रेस ने सिर्फ नारे लगवाई है और उनके लिए कोई काम नहीं किया। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैं जिस ग्राम पंचायत में जिस बूथ का मैं मतदाता हूं, मेरे गाँव में एक वनग्राम है, खलवाड़ा रैयत वनग्राम करके है, वहाँ पे ऐसे 250 आदिवासी परिवार थे जो सैकड़ों वर्ष से वहाँ रह रहे थे और फॉरेस्ट की वन भूमि में रह रहे थे। चाहे जब उनको धमकी दी जाती थी जमीन खाली करा देंगे, घर तोड़ देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की, मोदी जी की सरकार आई और उनको वन अधिकार जैसा कानून लाकर उनको उस जमीन का 20-20 एकड़, 25-25 एकड़ों का मालिकाना हक दिया है। आज वो हमारा जनजाति समाज का आदिवासी भाई गर्व से कहता है कि मैं इस जमीन का मालिक हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे साहब सैकड़ों मुद्दे हैं। आप ये बताइए कहाँ कमी छोड़ी शिक्षा के क्षेत्र में? हर एक किलोमीटर में स्कूल खोला, 3 किलोमीटर में मिडिल स्कूल है, 5 किलोमीटर में हाई स्कूल है, 8 किलोमीटर में हायर सेकेंडरी स्कूल है। जिले के हर विकास स्तर में हमने महाविद्यालय खोले हैं, 10 CM राइज खुले हैं। शिक्षा में देखिए आप तो शिक्षा में हम मंडला अव्वल है। ये मंडला जिला वही जिला है साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्यकाल की बात बता रहा हूँ शिवराज जी के, जो मंडला से 290 बच्चे जनजाति समाज के, उसमें बैगा बच्चे भी तो जो नीट की परीक्षा पास करके मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसकी फीस भारतीय जनता पार्टी भर रही है। और आज जो बातचीत हो रही साहब,
ये चाय की दुकान पे हम खड़े हैं, चाय की दुकान हो, पान का टपरा हो, हमारे सैलून हो, सब जगह एक ही चर्चा है, एमपी के मन में मोदी है। गांव टोले मंजरे पारे से लेके डोर टू डोर, झोपड़ी झोपड़ी और खोपड़ी तक मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इस बार इतने बहुमत से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, रिकॉर्ड मतों से हम लोग मध्य प्रदेश में जीतेंगे। और आज मंडला में कुछ लोग जो चुनाव मैदान में जो उतरे हैं, मैं उनको ये कह सकता हूँ साहब कि अभी तो ये अपनी बता रहे हैं, लेकिन जो गांव की चर्चा है, एक माता राम मेरे को कल मिली थी, बोल रही थी मोदी जी के लिए, उनने एक कहावत बोली थी, दो लाइन वो मुझे याद है कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। एक ऐसा सपूत जो मोदी जी जो देश और राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, गांव गरीब के लिए काम कर रहा है, इसलिए हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और ये जो बाकी जो लड़ रहे हैं चुनाव ना, कांग्रेस का तो अतः ही पता नहीं है साहब, इनका सूपड़ा साफ है। आप 17 तारीख हो जान दो, जितने भोग रहे हैं चारों तरफ से ना, इनके लिए दो लाइन भी कहना चाहता हूँ गाँव की। एक और हमारी कहावत है, हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार। इनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है, कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है कांग्रेस के पास में या अन्य राजनीतिक दल के पास में। हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद हैं। दादा, आपके गांव में कितना विकास हुआ है इन 5 सालों में? 5 साल में विकास, ये एक पुलिया बना है, एक है पुलिया बनी से, और एक अभी चंदनी रोड बने के, वो भी जल्दी बन रहा है, यह साल में बने जाए, और नहीं तो हम गति कर देंगे। हाँ, रोड अगर हमारे ने आने जाने की बिल्कुल सुविधा नहीं है, अब डोंगर के किनारे किनारे जाते हैं, तो रोड बनना चाहिए, जाए के गिठोरी, जाए के गुबतंगा, गुबतंगा तक पक्की रोड है। ये से हम बात कर रहे हैं मंडला से, जो कोट चौराहा, कोट की चौराहा है यही बैगा बैगिन ना, ठीक है। इसलिए से मैं बात कर रही हूँ अभी स्नान में बैठ के, ठीक है। एक वाला कभी भी हो और पहुंच भी जाएंगे हमारी मंडी में, तो मैं भी बात कर लूँ, ठीक है। भैया, अभी तक कितना विकास देखते हैं मंडला का, कितना विकास हुआ? डेवलपमेंट में अभी सुनने में आया है कि मेडिकल कॉलेज आने वाला है, और वर्तमान में डेवलपमेंट के कार्य लगातार बने हुए हैं। नल जल योजना के तहत शहर में खुदाई बस हुई है, लेकिन उस स्तर से जो काम होना चाहिए था, तेज़ी नहीं आ पा रही है, सारी चीज़ अव्यवस्थित है, व्यवस्थित करने की दरकार है। नया शीर्ष नेतृत्व आएगा, नए विधायक आएंगे, तो संभवतः विकास को गति मिलेगी। आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या देखते हैं चाय पे चर्चा हो रही है, माहौल है? मैं सर्वप्रथम अपने इस चाय प्याले के बारे में कहूँगा 4 लाइन कि चाय से चाहत है, पीने के बाद राहत है, ये मैं नहीं कहता यारो, ये बुजुर्गों की कहावत है। हर गली हर चौराहे में चर्चा है शिवराज की, हर गली हर चौराहे में चर्चा है शिवराज की। लोग विचार कर रहे हैं आज की, उसके अलावा और कोई नहीं परिस्थिति है आज की। कहते हैं कि अनगिनत राही गए उनका पता क्या, पर गए कुछ पैर छोड़ों की निशानी। वोट डालने के पहले मतदाता कमल की पहचान कर ले, वोट डालने के पहले मतदाता कमल की पहचान कर ले, परिस्थिति है आज की। ये थे हमारे साथ कुछ वर्ग, और जैसे जैसे मतदान की तारीखें पास आती जा रही हैं, वैसे वैसे चाय में उबाल आता जा रहा है, और लोगों की जो चुनावी जो माहौल है वह गर्माता जा रहा है। ये थे हमारे साथ कुछ वर्ग जिन्होंने मंडला विधानसभा के बारे में हमसे चुनाव चाय पर चुनावी चर्चा की। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला।